ओम शांति। ये दिल्ली में चलाया गया प्रातः क्लास है 29/12/63। रिकॉर्ड चला है दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। अभी बच्चे पुकारते हैं कि बाप को आना है। कब आना है? जबकि रहम चाहते हैं। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, हो बहु कल पहले मुआफिक बाप आ गए हैं, बच्चों को फिर से प्यार देने। और जो बच्चे दुखी हैं उनको सुखी करने के लिए, तो बच्चे कहेंगे ना फिर से, क्योंकि पुकारते हैं कि आओ रहम करो, फिर से आओ, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि सचमुच हम बहुत दुखी हैं। हम 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, बाबा ने तुमको बताया है कि कितना वर्ष हुआ जब तुम बहुत सुखी थे, अभी तुम दुखी हो। ये दुख किसने दिया है? किसने तुमको अशांत किया है? सब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले, तो अशांत है ना। अशांत का अर्थ है कि घर घर में दुख है, झगड़ा है, मारा मारी है, उसको कहा जाता है अशांत। और फिर शांति किसको कहा जाता है? जहां फिर ये मारा मारी, झगड़ा और हंगामा होता ही नहीं। तो ऐसे नहीं है कि शांति चाहिए, तो हम जड़ बन जावे। क्यों? जब हम वहां नंगे हैं, शरीर नहीं है, तो परमधाम में जैसे हम जड़ हैं, कुछ भी करते नहीं हैं, बस वहां पड़े रहते हैं। मूल वतन में हम कुछ नहीं करते, शरीर हो तो कुछ करें, शरीर ही नहीं है तो वहां क्या करते हैं? वहां हम पड़े रहते हैं जड़, उसको जड़ कहा जाता है। शांत पड़े हुए हैं, शांति तो वहां है, क्योंकि वो है ही निर्वाण धाम वानप्रस्थ। निर्वाण धाम माना वाणी से परे धाम, वानप्रस्थ का भी यही अर्थ है, वाणी से परे स्थान, जहां हम बच्चे हम आत्माएं रहते हैं। किसके पास रहते हैं? बाप के पास। उसको स्वीट होम भी नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है शांति धाम। जब स्वीट अच्छा अर्थात मीठा अक्षर आता है तो फिर कड़ुआ भी जरूर होगा। तो ये कलयुग है कड़ुआ धाम, और सुखधाम है मीठा धाम। वो है शांति धाम, वो है सुखधाम। बच्चे पुकारते हैं ना, तो बाप भी आकर कहते हैं और समझाते हैं, तुम अभी बहुत दुखी हो। ऐसे नहीं है जैसे बहुत बच्चे समझते हैं
कि बाप ही सुख देते हैं और बाप ही दुख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है कि गॉडफादर ही सुख देते हैं, गॉडफादर ही दुख देते हैं, या परमात्मा दुख देते हैं। परमात्मा दुख देते हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। परमपिता परमात्मा, उसको मोस्ट बिलेवड कहा जाता है, अथवा कहा जाता है बिलेवड मोस्ट, परम प्रिय परमपिता। माँ बाप तो प्रिय होते हैं ना, क्योंकि वो पालना करते हैं, वर्षा देते हैं, तो उनको प्रिय कहा जाता है। बच्चों को मोस्ट प्रिय होते ही हैं माँ बाप। तो एक माँ बाप है हद के, दूसरे फिर बाप हैं, माँ बाप हैं बेहद के, जिनको देखो ऐसे पुकारते हैं। लौकिक मात पिता को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अरे घनेरे सुख कहाँ है, आज सुख है कल दुखी हो पड़ते हैं, बीमार हो पड़ते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। नहीं, कोई दूसरा है जिसकी महिमा भक्ति मार्ग में चली आती है, क्योंकि वो अविनाशी सुख देते हैं। और अविनाशी सुख देने वाला कौन है? विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी सुख देने वाला तो अविनाशी सुख है। अविनाशी सुख किसे कहा जाता है? जहाँ सुख है वहाँ शांति तो है ही है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, वो अविनाशी याद रहती है, क्योंकि मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। उसका नाम शिव है, उसको कहा ही जाता है सदा शिव। सदा शिव क्यों है? क्योंकि इस सृष्टि पर आकर जितने भी टाइम रहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी बोलते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं ना, तो कभी उनके द्वारा दुखदायी कर्म नहीं होता है, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। शिव जयंती होती है, कहते हैं सदा शिव। सदा का अर्थ एक निकलता है, सदा सुख देने वाला, अथवा सदा ही वहां परमधाम में एक रस रहने वाला। वो सिर्फ एक दफा आने वाला है, जब तुम गाती हो ना माँ बाप हमारे, तो अभी तुमको प्रैक्टिकल में मिला है। अभी माने कभी है? कब प्रैक्टिकल में मिला है? प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, संगम युग में मिला है ना। तुम जानते हो
कि बरोबर हमको अभी जिसकी महिमा है गॉडफादर जिसको कहा जाता है वो प्रैक्टिकल में मिला है। सिर्फ ईश्वर प्रभु कहने से वर्षा का मजा नहीं आता है, फादर कहने से वर्षा का मजा आता है। फादर माना ही है फादर से वर्षा, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारी मदर से वर्षा मिलता है। किस मदर से है? ये ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, ये नहीं कहेंगे ब्रह्मा से सिर्फ वर्षा ब्रह्मा से मिलता है, नहीं, दोनों ही चाहिए। वर्षा देने के लिए माता भी चाहिए तो पिता भी चाहिए। अब ब्रह्मा माता ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर ब्रह्मा माता कहाँ से आए? है जरूर माता, ऐसी माता जिसकी पूजा होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा होती है क्या? नहीं, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा स्वर्ग का गेट खोलते हैं क्या? नहीं, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए किनको निमित्त रखा है? हैं? कन्याओं माताओं को निमित्त रखा है। तो वही ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाली शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है तो जरूर माता पिता चाहिए। जगत पिता है तो जगत माता भी चाहिए। भारत में तो मशहूर है जगदम्बा, वो जगत की माता हो गई। जगत की माता है अम्बा तो पिता भी है। ये बहुत बुद्धि से काम लेना है। ये दंत कथाएं जो शास्त्रों में पढ़ी है ना वो सब भूल जाओ। जब बाबा बैठ करके कुछ समझाते हैं, जब शिव बाबा भी समझाते हैं, ये भी क्यों लगा दिया है? क्या बाबा और शिव बाबा अलग अलग हैं? जहां बाबा लगाया वहां ब्रह्मा के लिए बोला, जहां भी लगाया कोई और पर्सनालिटी की ओर इशारा किया जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शास्त्र समझाते हैं। वो सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाते हैं, बताते हैं कि उनमें सार क्या है। तुम बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा का चित्र दिखलाते हैं, उनके हाथ में शास्त्र देते हैं और फिर चित्र बनाई दिया है कि विष्णु की नाभि से निकलते हैं। अभी विष्णु की नाभि से तो कोई निकलने की बात ही नहीं है। विष्णु सूक्ष्म बतन में रहा और ब्रह्मा भी फिर वहां ही रहा, तो वहां सूक्ष्म बतन में थोड़े ही विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल पड़ा। ऐसे तो है भी नहीं, नहीं, जिनकी नाभि से निकल पड़ा वो है प्रजापिता ब्रह्मा।
तो जरूर दो ब्रह्मा हो गए। कौन कौन? एक सिर्फ ब्रह्मा और दूसरा प्रजापिता। ला मुजीब दो ब्रह्मा। एक को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, यानी प्रजा रचने वाला ब्रह्मा। और प्रजा तो यहां रची जाएगी या सूक्ष्म बतन में रची जाएगी? सूक्ष्म बतन में तो प्रजा होती ही नहीं है। तो बहुत बच्चे मुझते हैं, ये क्या, ये साकार में मनुष्य अपने को ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जो सूक्ष्म बतन में रहते हैं वो कैसे ब्रह्मा कहला सकते हैं? तुम्हारे पास बहुतों को ऐसे बहुत संशय होते हैं। किनको संशय होते हैं? हैं? ये संशय किनको होते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। जहाँ प्रजा होती है वहाँ प्रजापिता ब्रह्मा भी होता है। ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी हो सकता है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जब तक इस सृष्टि पर 500-700 करोड़ मनुष्यों में से एक भी मौजूद रहेगा तब तक प्रजापिता ब्रह्मा भी मौजूद रहेगा। तो कहते हैं कि उनके ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण पैदा हुए। किनके मुख कमल से? तुम ब्राह्मणों से जाकर के पूछो, तुम किसकी संतान हो? हैं? कौन से ब्राह्मणों से जाकर पूछेंगे? वो ब्राह्मण बोलेंगे, हम ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। तो ये समझते हैं कि मुखवंशावली होगी तो ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना? अरे इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको आदिदेव भी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो त्रिमूर्ति रची है उनका ही नाम रख दिया है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। वो ब्रह्मा का भी पार्ट बजाते हैं। कौन है? विष्णु का भी पार्ट बजाते हैं और तीसरी मूर्ति शंकर का भी पार्ट बजाते हैं। तो तुमने उसको ब्रह्मा बड़ा लकब दे दिया। किसको है? क्या बड़ा लकब दे दिया? अरे प्रजापिता, इसलिए उनको कह देते हैं आदिदेव। अभी बाप समझाते हैं, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। कहाँ? इस साकार सृष्टि पर चाहिए, सूक्ष्म बतन में नहीं। बाप आते ही हैं जबकि दुनिया पतित है। सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं पतित हैं या पावन हैं?
इतना तो पावन होते हैं, इस सृष्टि पर पतित होते हैं, तो वो ब्रह्मा कौन होगा जिसने जिनसे बाप बैठ करके मुखवंशावली रचते हैं। दुनिया तो सारी पतित है बरोबर, फिर बैठकर समझाते हैं कि ये है ब्रह्मा की रात, सो भी एकदम आधी रात। शिव जयंती कब आती है? बोलते हैं जब दुनिया की आधी रात होती है और दिन होना होता है तब आते हैं। वो जो कृष्ण के लिए लिखते हैं कि वो आधी रात में जन्म लेता है, जन्माष्टमी व्रत रखते हैं और रात को जागते हैं, तो बाबा बैठ करके बोलते हैं कि ये परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में और आदि में, यानी जब ब्रह्मा की आधी रात है, बिल्कुल ही घोर अंधियारा, तो दिन करने के लिए घोर अंधियारे में आएगा ना। तो मेरी जयंती होती है कल्प की रात में, ऐसे नहीं कि कोई मैं गर्व से जन्म लेता हूं। जो कोई बैठ करके वो गर्भ से जन्म लेते हैं, कब किस गर्भ में जन्म लेते हैं, अब मैंने तो जन्म गर्भ से लिया ही नहीं, मेरा वो जन्म ही नहीं है। जिस जन्म का तुम टाइम रखते हो ना, किस घड़ी में जन्म लिया, किस नक्षत्र में जन्म लिया, किस दिन जन्म लिया, तो बाप बैठ करके समझाते हैं। देखो कौन समझाते हैं, फिर वही परमपिता परमात्मा जिसको गीता का भगवान कहा जाता है, वो भगवान आया हुआ है और वो पढ़ाते हैं। इन सबको पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, हैं? कृष्ण नहीं है, कौन है? परमपिता परमात्मा है। किसको निश्चय होना चाहिए, इन सबको कह के किसकी तरफ इशारा किया है? इन सबको, इनको, इसको किसके लिए बोलते हैं, हैं? ब्रह्मा को भी बोलते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के भी बोलते हैं। वो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखते। तो इन सब को पहले ये निश्चय होना चाहिए क्या हैं, कि वो भगवान आया हुआ है जो आदिदेव कहो, प्रजापिता ब्रह्मा कहो, उसके द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। उनको निश्चय नहीं होगा तो बेचारे क्या करेंगे, मुझेंगे बाबा अभी सभा से कैसे पूछे कि तुम जानते हो कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, जो सबका भगवान है, जिसको शिव कहा जाता है,
शिव का कर्तव्य ड्रामा में अलग हुआ और कृष्ण का कर्तव्य अलग हुआ। दोनों के कर्तव्य में रात दिन का फर्क है। कृष्ण देवता है और वो भगवान है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण होता है और भगवान कलाओं में बंधा हुआ होता है। नहीं, उसके लिए तो कहते हैं कला अतीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से अतीत है। ब्रह्मा को तो ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा कलाहीन भी होता है तो 16 कला संपूर्ण भी होता है। भगवान तो कभी नीचे ऊपर नहीं होता है। भगवान कल्प का अंत करने वाला है और कृष्ण तो आदि में है। तो कृष्ण अलग हुआ, बिल्कुल ही रात दिन का फर्क। उनकी महिमा अलग और उनकी महिमा अलग। बाबा ने तो बहुत समझाया है। तो बाप ही बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी परमपिता परमात्मा कल पहले मुआफिक है, इस द्वारा सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाए रहे। जो कोई भी सुनाई नहीं सकता, इसको कहा ही जाता है नॉलेज फुल। जाने जाननहार का अर्थ कोई ये नहीं है कि सबके दिलों को जानते हैं। सारे 550 करोड़ के दिलों को बैठकर जानेंगे क्या? ये थोड़ा ही बात है। उनको कहा जाता है नॉलेज फुल। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वो जानी जाननहार का अक्षर कुछ मुझाए देता है। तो भाई नॉलेज फुल है। तो बाप आकर कहते हैं मैं चैतन्य हूं ना। मुझे कहते भी हैं सत्य है चैतन्य है। फिर कहा जाता है आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है। अब स्वर्ग तो सुखमय होता है ना, सुख स्वर्ग में ही होता है। जो कह देते हैं स्वर्ग, तो बाप सुख का इनहेरिटेंस देंगे ना। कौन देगा? जो सुख का सागर है वो ही देगा ना। तुम कभी उनको कहते हो कि दुख का सागर है? कहते हो? नहीं। अभी तो दुख के सागर भी हैं, वो तो बहुत हैं। तो तुम कैसे कहेंगे जो सुख का सागर है वो फिर दुख भी देंगे? नहीं। बाप ने आकर के कल पहले भी समझाया था और अभी फिर से समझाते हैं। मैं सुख का सागर हूं, दुख का सागर रावण है, जिसको तुम लोग कहते हो, जिसने सभी को दुख दिया है, 500 करोड़ को भी दुख दिया है। तुम सब सीताएं हो, क्योंकि भक्ति करते हो, यानी बाप को भगवान को याद करते हो। तो तुमको दुखी किसने किया है? ये रावण ने किया है। देखो, रावण को तुम वर्ष वर्ष जलाते हो, क्योंकि ये तो पता है नहीं कि रावण को वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? है? पता है किसी को? है? पता है तो बताओ।
हैं, इसलिए जलाते हैं कि ये संगम युग की यादगार है। जितना तुम रावण को जलाते हो उतना अगली वर्ष और भी बड़ा हो जाता है। उसका प्रभाव घटता है या बढ़ता जाता है? हैं? और ही बढ़ता जाता है। भक्ति बढ़ रही है या घट रही है? और ही बढ़ रही है। रावण का चित्र कोई थोड़े ही होता है। रावण का अर्थ ही है पांच विकार। तुम सब सारी दुनिया रावण के बॉन्डेज में है। ये भूतों की जंजीरें में हो। तुम सबको पांच भूत लगे। बड़ा भूत भी है। भूत दो प्रकार के होते हैं। एक भूत को घोष्ट भी कहते हैं और ये है फिर माया घोष्ट। ये माया घोष्ट बड़ी पुरानी है। माना दुनिया में जो घोष्ट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो उतने पुराने नहीं है, लेकिन माया बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? 2500 वर्ष पुरानी है। आधा कल्प से इनका राज्य है। तो इसको भूत कहा जाता है। 29/12/63 की वाणी का तीसरा पेज। इनको काम का भूत क्या लगा है? कहते हैं ना, दर दर में धक्का खाते रहते हैं। इसको बाजारी कुत्ता कहा जाता है, बाजारी बैल भी कहा जाता है। वो दर दर में धक्के खाते हैं ना, तो बाप बैठकर से समझाते हैं ये बड़े भूत हैं। ये काम का भूत, क्रोध का भूत, कोई गुस्सा करते हैं ना तो कहते हैं देखो इनको क्रोध का भूत लगा है। इनको भूत कहते हैं। ये दो दुश्मन हैं, क्योंकि मोह और लोभ को भी इतना बड़ा भूत नहीं कहा जाता। नहीं, ये हैं बड़े शत्रु। उसमें भी काम तो बिल्कुल महाशत्रु है और कहते भी हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, इस काम रूपी शत्रु पर जीत पहनो। क्या कहा जाता है? क्रोध जीते जगत जीत या काम जीते जगत जीत? काम जीते जगत जीत कहा जाता है। तो इस पर जीत पहनेंगे ना। तुम बच्चों को दोनों भूतों का मालूम है। कहते हैं कामेशु क्रोधेशु। क्यों कहते हैं? हैं? काम की चेष्टा होती है ना, काम विकार का प्रयत्न करते हैं ना, तो देखो ये अभी की बात है। अभी की ही बातें बतलाते हैं कामेशु क्रोधेशु। काम का विष न मिलेगा तो अबलाओं को एकदम ठुंसा मार देंगे। कहेंगे इस काम विकार बिगड़ के, इस काम विकार के बिगैर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे भाई, वॉइसलेस वर्ल्ड भी थी ना, फिर क्या उनको बच्चे नहीं थे? श्री लक्ष्मी नारायण को बच्चे थे ना,
उनको सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना, तो उनकी भी दुनिया थी ना। तो एक बात याद रख देना, वहां कोई जरूर तख्त पर तो बैठते होंगे, यहां बस बिगड़ते हैं बेचारी अबलाओं के ऊपर। अब ये तो ड्रामा है, बाप बैठ करके समझाते हैं कि बरोबर आगे भी जब अबलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे, पाप का घड़ा भरेगा, इसी कारण बढ़ेगा। इस कारण तभी विनाश शुरू हो जाएगा। पहले भी इसी कारण विनाश हुआ था, कब है? पहले माने कब है? यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था, विनाश ज्वाला यज्ञ में प्रज्वलित हुई। अभी बच्चों को ये तो निश्चय है ना, बाप सामने बैठ करके गाते हैं मुरली तेरी में जादू। देखो मैं सिंधी में कहता हूँ, मुरली कीजिए मैं जादू, आहे पेल खुदाई। ये मुरली बजती है, अरे बड़ा जादू है उनमें। ये खुदाई मुरली है और खुदाई जादू है, बरोबर भगवान को ही जादूगर कहा जाता है, कृष्ण को थोड़े ही जादूगर कहा जाता है। वो भक्त लोग क्या समझते हैं, हैं? अरे दुनिया वाले भक्त लोग क्या समझते हैं, कृष्ण भगवान था, उसने जादू किया तो 16,000 बागी उसके पीछे पीछे, परंतु फाउंडेशन कहां लगता है? भक्ति मार्ग में जो बातें आई है उनकी शूटिंग कहां होती है? यज्ञ के आदि में भी तो भागी थी ना, तो किसने जादू लगाया? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने जादू लगाया क्या? ये सारी प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, जिसमें शिव भगवान पहले पहले प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण को थोड़े ही जादूगर कहा जाता है, जादूगर तो उसे कहा जाता है जो मनुष्य को देवता बनावे, एक सेकंड में जीवन मुक्ति देवे। ये जादू नहीं ठहरा क्या? एक सेकंड में जनक के लिए कहते हैं ना, और बच्चे कहते भी हैं, बाबा हमको जनक के मिसल ज्ञान दो, कि जो भगाते हो ये नहीं। हम घर ना छोड़ें, हमको जनक के मिसल एक सेकंड में ज्ञान दो। गीताएं तो बहुत हैं, अष्टावक्र गीता आदि आदि। तो बाबा कहते हैं, मैं आया भी हूं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाने, मैं तुमको घर बार थोड़े ही छोड़ाता हूं। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले थे और हैं, कौन किसके लिए बोला? सतयुग में तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले थे ना, तुम्हारा लक्ष्मी और नारायण
जिनको तुम पूछते हो वे प्रवृत्ति मार्ग है ना। जरूर राजा और रानी, बच्चा भी तो पैदा हुआ होगा ना, प्रवृत्ति मार्ग है। तो मैं भी तुमको प्रवृत्ति मार्ग में ही ज्ञान देता हूं। क्या है? किसको देता हूं? तुमको, जो भगवान के सन्मुख बैठ पड़ते हैं उनको तुमको कहा जाता है। उनको नहीं, जो सफेद कपड़े या लाल पीले कपड़े पहनकर बैठते हैं, सत्संग करते हैं, वो कोई प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं क्या? हैं? उनको तो प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं कहेंगे। शुरुआत में तुम लोगों ने जो सुना है, गाली खाने का हंगामा हुआ, वो हंगामा तो गीता में भी था ना। कृष्ण को बहुत गाली दी, बहुत भगाते थे, फलाना करते थे, गाली खाया। बाबा कहते हैं कि नहीं, उनका भी राज है, क्योंकि बाप को पहले चाहिए भट्ठी जिसमें कुछ बहुत निकले, ज्ञान की भट्ठी में डालें, योग की भट्ठी में डालें। वो भट्ठी बनानी थी कब है? यज्ञ के आदि में तुम्हारी भागवत में लिखा हुआ है कि भट्ठी, परंतु उनमें बिल्ली के पुंगरे डाल दिए थे। क्या है? यज्ञ के आदि में कौन डाल दिए है? बिल्ली के पुंगरे डाल दिए थे। कौन बिल्ली थी है? जरूर बाबा उसे कहते हैं माया बेटी। माया बेटी मधुबन में रहती है या नहीं रहती है? मधुबन में भी रहती है। तो उस भट्टी में भी बिल्ली के पुंगरे डाले पड़ा है कहाँ? एक भट्टी थी, उनमें बिल्ली के पुंगरे बैठ गए। ईंटें तो पक गई, पर बिल्ली के पुंगरे वहां जीते जीते बैठे हुए थे। ये क्या बात हुई? तो बिल्लियों के पुंगरे हैं या माया के पुंगरे हैं? माया बिल्ली है, उनके पुंगरे बन गए। आजकल माया बिल्ली कहते हैं ना। ये खेल है, गुलबुकावली का एक खेल भी होता है जिसमें चौपड़ खेलते हैं। वो नगाड़ा बजाकर आता है, मैं माया को जीत करने के लिए जाता हूं। फिर वो जब माया से जीत पहनते हैं तो वो बिल्ली बिठा देती है, बिल्ली पासा फेर देती है। तो अभी की बात है, तुम आए हो माया पर जीत पहनने के लिए। ये माया बिल्ली को कहते हैं। वो घड़ी घड़ी तुम्हारा जो धारा है ना, धारा उल्टा देती है, क्योंकि तुम्हारा बाप आया है अभी पाव बारा बनाने के लिए। माया ने तुम्हारा 36 डाल दिया। क्या 63 और 36 होता है ना? 63 में क्या खास बात होती है? दोनों अंक एक दूसरे के सामने होते हैं, और 36 में दोनों अंक 3 और 6 एक दूसरे के
विपरीत हो जाते हैं। तो 36 हार कहा जाता है और 12 जीत कही जाती है। अभी चौपड़ के तो खेल नहीं है, ये बात समझाने की है। तो बाबा बैठकर समझाते हैं कि अभी तुम पुरुषार्थ करते हो माया पर जीत पहनने के लिए, कोई वक्त में तुम एकदम हराए देते हो किसको है, माया को। माया बिल्ली घड़ी घड़ी तुम्हारा दीवा बुझा देती है। तो बाप बैठकर समझाते हैं ये होगा जरूर, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है, मैं आज खिलौना नहीं लेकर आया हूँ, नहीं तो मेरे पास खिलौना भी है कि बॉक्सिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इन माताओं ने बॉक्सिंग नहीं देखी है, बच्चों ने तो देखी है कि कुश्ती कैसे लड़ते हैं, कैसे एक दूसरे को जोर से मार देते हैं। जो बेचारा करते हुए ऐसे गिर पड़ता है, 29-12-63 की वाणी का चौथा पेज। अभी तुम्हारे पास बहुत गोप और गोपियां हैं, मैदान में युद्ध करते हो, ये युद्ध का मैदान है ना, युधिष्ठिर माना युद्ध के मैदान में आया और वहां माया पर जीत पहनने वाला है। कौन, क्या नाम दिया हैं? युद्ध के मैदान में, माया से युद्ध के मैदान में जीत पाने वाला, इनको ही कहा जाता है नॉन वायलेंस। अभी नॉन वायलेंस सिखलाने वाला आ गया है। तुम बहुत थोड़े वॉरियर्स हो और बहुत बड़े वॉरियर्स हो, तुम मन नॉन वॉरियर्स हो, बट वेरी वेल नोन, यानी तुम लोग वॉरियर्स हो माया पर जीत पहनने वाले, तुम बहुत नामी ग्रामी हो। कैसे नामी ग्रामी हो, अननोन कैसे हो, बट वेरी वेल नोन कैसे हो? अननोन हो अभी, दुनिया में तुमको कोई नहीं जानते हैं कि तुम कैसे गुप्त युद्ध करते हो माया से, तुम्हारी गुप्त लड़ाई है ना, परंतु भविष्य में जब प्रत्यक्ष होंगे तो वेरी वेल नोन हो जाएंगे संसार में। तुमको ही कहा जाता है काम जीते जगत जीत, तुम अनोन्य वॉरियर्स, तुम बहुत नामी ग्रामी, तो कौन हो तुम? वो शिव शक्ति पांडव सेना जिनकी पूजा हो रही है तुम वो हो, परंतु कोई भी मनुष्य जानती नहीं है तुमको, दुनिया में कोई जानते हैं? तुम भारत को स्वर्ग बनाने वाली हो, माया पर जीत पहन करके जगत जीत बनी हो। वो जो सन्यासी लोग या कोई कहते हैं मन जीते जगत जीत, नहीं, ये मन तो कभी जीता नहीं जाता है, ये तो इम्पॉसिबल बात है। अगर तुम मन जीत लो तो
तो तुम खा नहीं सको। कर्म कैसे करेंगे? मन तो संकल्प विकल्प करता ही है ना, फिर तो तुम कर्म ना कर सको, एकदम जैसे जड़ बन जाओ। तो नहीं, मन नहीं, अब युद्ध का मैदान है, माया पर जीत पहननी है, ये पांच विकारों के ऊपर जीत पहननी है, उसमें मुख्य है काम। ये विकार बहुत कड़ा है, तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, ये काम पर जीत पहनाना ये किसका जादू है? तो जरूर खुदा बाप आकर के इनमें तुमको समझाते हैं, जादूगर उसको कहा जाता है। कृष्ण थोड़े ही जादूगर है, बाप आकर इनमें तुमको समझाते हैं। इनमें माने किन में? राम और कृष्ण में तुमको समझाते हैं, लेकिन जादूगर इनको नहीं कहा। किसको कहा? जादूगर उसको कहा जाता है, भविष्य के पाठ की तरफ इशारा किया। कृष्ण थोड़े ही जादूगर है, बाबा ने बच्चों को समझा दिया है कि ये त्रिकालदर्शी पने की जो नॉलेज है, कोई भी पुराने ऋषि मुनि एक भी त्रिकालदर्शी होकर नहीं गया। कैसे हो, जबकि सतयुग के आदि में श्री लक्ष्मी नारायण मनुष्य सृष्टि में नंबर वन हुए, वो भी त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको भी सृष्टि के आदि में अंत का ज्ञान नहीं है। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, फिर कृष्ण का बाप आकर के बतलाते हैं कि नहीं, उस बच्चे में तीनों लोगों का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है एकदम। अगर उनमें होता तो उनको मालूम होता कि अच्छा, अभी हम सूर्यवंशी हैं, उनको मालूम होता है, किनको? कृष्ण वाली आत्मा को ये मालूम होता है कि अभी हम सूर्यवंशी हैं, है? अरे वो अपन को चंद्रमा समझता है कि सूर्यवंशी समझता है? उसके फॉलोअर्स भी चंद्रवंशी, वो खुद भी चंद्रमा। अरे पीछे तो मुझे चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, पीछे मुझे वैश्यवंशी बनना पड़ेगा, फिर मुझे शूद्रवंशी बनना पड़ेगा। ऐसा अगर कृष्ण सतयुग में जान जावे तो उनकी नींद भी फिट जावे। बाप बैठ करके समझाते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच, और बैठकर ये त्रिकालदर्शी बनाते हैं, उनमें ये ज्ञान नहीं है। देखो कितनी भूल हो गई, बड़ी ते बड़ी भारी भूल है, फिर भी तो बाप कहते हैं, बुद्धि को बाबा भोजन देते हैं। बुद्धि से पूछो कि वो कृष्ण त्रिकालदर्शी हो सकता है? वो तो बेचारा घुटके में मर जावे कि हम पीछे फलाना जाकर के एकदम शूद्र बनेंगे, दुखी हो जाएगा, तो वहां ही उनको वैराग आ जावे कि बाबा
फिर ये ड्रामा क्यों रचा है जो फिर मुझे दुख मिले। विचारों को घुटका आ जावे, बैकुंठ का सुखी ही उड़ जावे। नहीं तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अभी गॉड आया है पढ़ाने के लिए, वो फादर क्या बनाने आया हुआ है। बोलता है जैसे दूसरे मनुष्य है ना, मनुष्य मनुष्य को बनाते हैं ना, बैरिस्टर है तो बैरिस्टर बनाते हैं, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाते हैं, सर्जन है तो सर्जन बनाते हैं, जैसे वो बनाते हैं ना, उनको बनाने में कितना समय लगा है? अरे पढ़ाई पढ़ने में समय समय लगता है, फिर उनको ट्रेनिंग लेने में समय लगता है, समझो 25 वर्ष लगा। ऐसे ऐसे करके 25 वर्ष बड़े इंसान को ICS को लग जाते हैं, फिर यहां क्या होता है? मानुष को देवता किए, ये यहां की बात है। तो ये मनुष्य सृष्टि है, सतयुग है देवी देवता सृष्टि, उसको कहा जाता है आदि सनातन, यानी पहले पहले सतयुग के आदि में आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ऐसे नहीं कि आदि सनातन हिंदू धर्म था, नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो बड़ा राजभाग था, उनको तो कहा जाता है गॉड और गॉडेस, गॉडेस लक्ष्मी अर्थात भगवती और भगवान। कहां की बात है? हैं? कौन बनाते हैं? अरे इंजीनियर को इंजीनियर बैठ पढ़ाते हैं बनाते हैं, वकील को वकील बैठ पढ़ाते हैं वकील बनाते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ाते हैं डॉक्टर बनाते हैं, और यहाँ भगवान बैठकर क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती बनाते हैं। कौन से युग की बात है? है? सतयुग में बनाते हैं या संगम युग में बनाते हैं? भगवती और भगवान किसने बनाया है? तो नई सृष्टि में तो जरूर भगवान रचयिता होगा ना, जिसने नई सृष्टि रची और भगवती भगवान बनाया। कैसे? फिर बाप बैठ करके अभी समझाते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चे, भगवान जो नॉलेज फुल है यानी बीज रूप है, चैतन्य है तो बीज होगा ना, चैतन्य होगा तो उनको अपने झाड़ का सभी मालूम होगा क्योंकि चैतन्य है, इसलिए उनको नॉलेज फुल कहा जाता है। फिर उनको तुम सब कुछ कह सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कह सकते हो, क्योंकि तीनों कालों को जानने वाला कोई सन्यासी वन्यासी तो कोई होते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जब नहीं जानते हैं तो ये गीता उन्होंने कैसे बैठ करके बनाई, ये क्या जाकर के बैठ कर बनाया जब सबको मालूम ही नहीं है, और मालूम ही नहीं है तो थोड़ा बहुत जो आत्माएं पहले आती हैं वो अच्छी हैं, थोड़ी पावरफुल हैं, क्योंकि रजोगुण में जो आत्माएं आती हैं तो रजोगुण ही होंगी ना, और जो तमोगुण में आते हैं वो तमोगुणी होंगे, जो सतोगुण में आते हैं वो ही सतोगुणी होंगे। तो सतोगुण में जो आते हैं वो ही पावरफुल होंगे जरूर। फिर उनको पावर कौन देता है सतयुग में? बाप उनको पावर देते हैं।
कब देते हैं? हैं? सतयुग से पहले संगम युग में ही पावर देते हैं। अच्छा, ओम शांति।